अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्रत रखने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब आइए जानते हैं इस वीडियो में इंदिरा एकादशी व्रत कथा क्या है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सतयुग के समय महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, अगर आप सपत्निक इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा करें, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर सपत्निक विधिपूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वो सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी के व्रत की महत्ता बढ़ गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।